प्यारे विद्यार्थियों, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है वो है प्रोमिसरी नोट। चाहे इंडिया हो, चाहे यूएसए हो, चाहे कहीं भी हो, स्टार्टिंग में जो चलता था वो प्रोमिसरी नोट चलता था। इसका मतलब होता है कि रिटन प्रॉमिस, इन इंडिया कभी भी रिटर्न प्रॉमिस नहीं हुआ, क्योंकि इंडियंस जो थे वो ईमानदार थे तथा उनकी बात में सच्चाई होती थी। एक कहावत भी है कि जान जाए पर वचन ना जाए। जो उन्होंने प्रॉमिस किया है वो हमेशा ही अटल रहता था। बट जब ब्रिटिश यहाँ आए तो उन्होंने एक कानून भी बना दिया कि कोई भी व्यक्ति कोई भी प्रॉमिस करेगा अब रिटर्न में होगा। तो सबसे पहला उन्होंने ब्रिटिश ने अपने वहां बिल ऑफ एक्सचेंज का एक्ट 1882 बनाया। ऐसे इंडिया में इंडियन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बन गया 1881। उसमें जो फर्स्ट था प्रोमिसरी नोट था कि कोई भी वचन जो रिटर्न में हो, खास पेमेंट को देने का हो, फॉर पेइंग ए सर्टन अमाउंट, तो उस नोट को हम प्रोमिसरी नोट कहेंगे। तो इसमें क्या क्या खासियत है, क्या क्या कंडीशन है, हम जान लेते हैं। पहली बात, यह रिटर्न में होगा। दूसरा, इसमें वचन होना चाहिए स्पष्ट रूप से कि मैं आपको 10,000, 15,000, 20,000 जो भी अमाउंट है दूंगा, इतनी डेट को दूंगा, आपके मांगने पर दूंगा, जिसको आप कहोगे उसको दूंगा, जिसके हाथ में होगा उसको दूंगा, या जिसका नाम लिखा होगा उसको दूंगा। नंबर दो पे, दो तो यही हो गए, रिटर्न में हो, स्पष्ट इसमें प्रॉमिस हो। तीसरा, सर्टन अमाउंट, अमाउंट स्पष्ट होनी चाहिए कितनी अमाउंट है। चौथी बात जो है कि जो लिखने वाला है, प्रॉमिस देने वाला है, उसके सिग्नेचर होने चाहिए, वो एक स्पष्ट, एक निश्चित व्यक्ति होना चाहिए, तथा जिसको पेमेंट होनी है वो भी निश्चित हो। अगर नहीं है तो जिसके पास है प्रॉमिसरी नोट उसको पेमेंट मिलेगी। और उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे कि जो प्रोमिसरी नोट है उसकी जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी होनी चाहिए। कोई भी प्रोमिसरी नोट है, मान लो ये प्रोमिसरी नोट है, तो इसके ऊपर एक स्टैंप, जो इंडियन स्टैंप एक्ट बना हुआ है उसके अंडर लगनी चाहिए। जितनी लगनी चाहिए वो लगनी चाहिए। जितनी अमाउंट ज्यादा होगी उसके ऊपर ज्यादा लगेंगे, अमाउंट कम होगी तो उसके ऊपर कम लगेंगे स्टैंप्स। ठीक है जी, आगे हम बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।